ऐसे महसूस हो रहा है दैट एक जगह पार्लियामेंट है, यानी जो गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और उनके पीछे एक बैक मौजूद है। एक तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ खड़ी हुई है और उनके पीछे एक बैक मौजूद है। ये जो बैकिंग वाला सिस्टम है, क्या ये किसी तौर भी खत्म हो सकता है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि तरीके इंसाफ के पीछे कोई बैक मौजूद है। जब अगर कोई बैक मौजूद होती तो ऐसा बुरे हाल में ना होते इनको लीडर। सर आप कैसे कह रहे हैं? आप वो देखे खाकवाड़ी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट छोटा सा सवाल ले लें इसी पे। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, रिजर्व सीट्स की अपील जो है वो सुन्नी इतिहाद लेके गई थी, यही तो झगड़ा है सारा। बात एक मिनट मुझे बात का मौका देना बात करने का। ये मतलब अच्छी बैकिंग है, पंजाब में जलसा भी नहीं कर सकते, 100 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सकते। कर सकते हैं, अभी आप 14 अगस्त आ रहा है, 14 अगस्त को भी एक्टिविटी नहीं कर सकते तहरीक इंसाफ वाले। तो लीडर उनके सारे ये भागे हुए हैं, अभी तक ये जेलों में पड़े हैं, सड़ रहे हैं। हाल ये है कि ख्वातीन रहनुमाओं को साल से ऊपर जमानतें नहीं मिलती और 20वें मुकदमे उपड़े। जब बैक होती है, फिर बैक ऐसी नहीं होती, बैक होती है तो फिर इफ्तिखार चौधरी साहब को अपने घर से, उनको घर से उनको निकाला भी नहीं जा सकता। ये बैक थी पूरे एक साल तक जुडिशियल मूवमेंट में। फिर मुशर्रफ अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद इफ्तिखार चौधरी को घर से बेदखल नहीं कर सका। यहाँ तो जेलों में पड़े सड़ रहे हैं, तो बेगम साहब भी जेल में पड़ी है और खामद भी जेल में पड़े हैं और सारे जेल में। ये बैक नहीं है। बाकी आप जब ये एक बात कह रही है, ये बात इतनी ज्यादा रट के लिखी जा रही है तो मेरी समझ से बाहर ही बात क्यों कही जा रही है। हमने सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब को बहरहाल ये क्रेडिट तो है कि उन्होंने लाइव दिखाया सबको, तो हमने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना कि सलमान ने कब राजा बार बार ये कहा और ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का वकील हूँ, मैं हमें तहरीक इंसाफ की सीटें चाहिए। उस पर बल्कि फैसल सदीकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वकील नहीं हूँ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये फाइल की है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीट्स मिलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कवल चौधरी, सुन्नी इत्तेहाद तरीके इंसाफ की है, सलमान कबर राजा की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पर हैं और लाइव सबने देखी है, पूरी कौम देख रही है। इवन एक बार तो ये हुआ, काजी साहब ने कहा कि आप किसके वकील हैं, आप किस पार्टी में। उन्होंने कहा सलमान कबर राजा ने जरा सख्ती से कहा, उन्होंने कहा आप जानते हैं मैं किस पार्टी में हूँ और किस पर डिपेंड कर रहा हूँ। उन्होंने कहा सलमान कबर राजा ने, हमने लाइव चूंकि हमने देखा है ना, अब हमें तो किसी इसमें हमारी रिपोर्ट में भी हमें यकीन करने की जरूरत नहीं, सब लोगों ने। यानी आप कह रहे हैं कि द जजमेंट वाज बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, दूसरी बात देखिए, एक मिनट बात करने देना मुझे। बात ये है कि जो ये लोग इतराज कर रहे हैं मंसूर इशाक सिरदी फैसले पे, तो काजी फाइजिस्ता ने भी वही बात की है। काजी फाइजिस्ता और जमाल बंधु खेल ने तहरीक इंसाफ को पार्टिसिपेट नहीं किया, जो उन्होंने हेल्प दिया। मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं चाहूंगी कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खाकवाड़ी साहब, जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें मैं चाहूंगी कि आपकी फर्दन सबकी राय ले लूं। ये जो अभी चल रहा है, डील ढील बातचीत, ये क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखें, बात सुने, जो डिसाइडिंग फैक्टर बांग्लादेश में क्या था, मौका दे। आप जब ये बात कहती है, मेरे मुझे बात की मौका नहीं मिलता, मुझे काइंडली ये बात। चलिए, मैं काजी साहब आपसे ज्यादा जाऊंगी, पहले खाकवाड़ी साहब को कंप्लीट करें। खाकवाड़ी साहब प्लीज जी, सिर्फ एक मिनट दे। आपने पहले ये बात की थी कि पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, देखे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ता है। आपको याद होगा जब जूसर रजा गिलानी जूसर प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कौमी असेंबली के स्पीकर थी उस वक्त मिर्जा साहबा, उनसे उन्होंने एक स्पीकर से रोलिंग देके भी उन्होंने पूछी की थी बच्चे की, अल्टीमेटली नायल हुए थे या नहीं होते, आपको याद होगा। पुरानी बात भी उस वक्त पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ा था, अभी उनको मानना पड़ेगा। बाकी आपने कहा डील या मुदाखरात, जो भी है हमें इसका रिजॉल्व करना है तो मुदाखरात से रिजॉल्व होगा और मुदाखरात बहरहाल अल्टीमेटली जो रियल पावर होल्डर्स हैं उन्हीं को भी आना पड़ेगा या उन्हीं को किसी तरीके से आना पड़ेगा, उसके बगैर बामकसद मुदाखरात नहीं होती। कि इस मुदाखरात में जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट ये सारा रिवर्स होने वाला होगा, और जो हुकूमती सेटअप अगर इस पे मुलाकात नीति में खत्म होगा तो क्यों मुजाकरात करेंगे, ये क्यों कामयाब होना चाहेंगे? ठीक है, लेकिन ना इलेक्शन रिजल्ट जो है 8 फरवरी के इलेक्शन के रिजल्ट को ना माना जाना है, तो वो जब तक मुजाकरात आप उस पर करेंगे जो हुकूमत जिसने खुद खत्म हो जाना है उन मुजाकरात नतीजे में अगर रिवर्स हुआ, अगर रिजल्ट को अगर वो तस्लीम किया गया जो एक्चुअल रिजल्ट है, तो कौन से मुजाकरात होंगे? सही है, मैं इसी पे छोटा सा सवाल का थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। डील तो चले निकालते हैं, बातचीत पे बात आते हैं। बातचीत तो तब होगी जब माफी मांगी जाएगी, माफी तो मांगी नहीं जा रही। नहीं, वो नहीं मांगेंगे। तो माफी अगर मांग भी लें तो माफी होगी नहीं होगी, ये क्या होगा? क्या दो बातें आप याद रखें, ताकत के किसी रियासत में दो सरचश्मे होते हैं। एक तो मुझे पता ना,
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਓ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਫਲੋਸ ਫਰਮ ਦੀ ਬੈਰਲ ਆਫ ਗਨ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ ਹੱਥ ਸੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮੋਂ ਸੇ ਵੋਟ ਡਾਲਨੇ ਬਾਹਰ ਆਤੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੇ ਆਏ ਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਨਹੀਂ ਥੀ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਦਰਦ ਥੇ बार बार मैं तो तहरीकों का तालिब इल्म हूँ बार बार तहरीक बांग्लादेश की उठ रही थी बैठ रही थी उठ रही थी लोग अपनी जानें दे रहे थे हर वर्किंग क्लास की हालत यह थी कि मैंने मुझे माफ़ कीजिएगा मैं जो मिसाल देने लगा हूँ मगर ये हकीकत है एक खातून हमारी बहन ने जो कि वर्किंग क्लास वो जहाँ के टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती थी वो कहती थी कि इतनी गंदी लिविंग कंडीशन हैं कि इससे बेहतर था कि खुदा न खास्ता मैं कोई लेती तो मैं वहाँ ज़्यादा सुखी रहती जितनी मैं यहाँ हूँ ये इतने दर्द और दुख थे हमारी बेटियों के जो बाहर निकली हैं तो देखें सब डिक्टेटर कैसे अयूब खान कैसे उड़ा था इसलिए ताकत सिर्फ दो है अब बात क्या है जो आपने बात मेरी अनफिनिश्ड रह गई मैंने खान साहब से ये कहा था कि उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये 10 लाख रुपए हमने बहुत अच्छा किया आपने दिया लेकिन अगर आज एक पार्टी ये ऐलान करे इस तरह ना करे जैसे जमात इस्लामी ने किया था कि हम आके कालादम करेंगे तमाम वायदे और उनको अंदर करेंगे जिन्होंने वायदे किए थे और जिन्होंने इस मुल्क को खोखला किया हम उन्हें और आपकी बिजली हम इस जिस तरह उसने किया इसमें इंडिया में क्या नाम है उसका आम आदमी पार्टी वाला उसने किया और लोगों ने किया हमारी बात तो करो लोग आपके आगे खड़े होकर जाने देंगे अगर आपने दस्तरखान पे बैठ के उधर हिस्से बांटने हैं ऊपर जाके तो हम क्यों बाहर निकले लेकिन मेरा सवाल फिर रह गया मैं प्राची साहब चाहूंगी आप इसका जवाब दें ये बातचीत डील टेबल टॉक क्या सब्सटेंस है कोई डिनाय नहीं कर सकता कि डायलॉग ही एक वाहिद रास्ता है लेकिन डायलॉग सेलेक्टिव नहीं होते उसमें सारे स्टेक होल्डर को उसमें जितने भी देखे ना पावर इस वक्त पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह असर्ट कर रही है काजी साहब अभी मान नहीं रहे लेकिन पावर तो है ना काजी साहब के पास भी काजी सईद साहब की बात कर रहा हूँ अल्लाह का वास्ता जी अपना एजेंडा रखता है ना शुक्र आपने काजी सईद बोल दिया मुझे मेरा ध्यान कहीं और चला गया था नहीं नहीं मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ देखे ना वो तो खैर कभी सुना था कि काजी आ रहा है जालिमों अब खुशी मनाई जा रही है कि काजी जा रहा है इससे तब्दीली नहीं आती सानू भी आराम कर लेने दो आप सिलेक्टिव जो 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 सिलेक्टिव डायलॉग है उससे हाँ। नहीं होता देखे ना बात सुप्रीम कोर्ट की गई कि जी यूसुफ रजा गिलानी को निकलना पड़ा था यही तो मैं कह रहा था कि हर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ आता रहा ये, वो यही मेरा पॉइंट था शहीद किया गया वो यूसुफ रजा गिलानी को निकाला गया वो 90 में बेनजीर की गवर्नमेंट बहाल नहीं हुई 93 में नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल हो गई 96 में बेनजीर की हुकूमत फिर बहाल नहीं हुई हाँ। तो ये सिलेक्टिव फैसले ये भी बंद होने चाहिए जी जी बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए खाफाड़ी साहब वन लाइनर चाहिए इस पे वन लाइनर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिलेक्टिव फैसले भी नहीं होने चाहिए लेकिन जो फैसले हों भर उनको अपनी मर्जी ये आपके मफाद के खिलाफ अगर फैसला किसी पार्टी को जा रहा है तो उसको भी मानना चाहिए अल्टीमेटली आपको रिजॉल्व करने के लिए आना पड़ेगा और ये जो बात कहते हैं डायलॉग की बिल्कुल ठीक बात है एक वसी डायलॉग होने चाहिए लेकिन मुझे ये बताएं और मुझे ईमानदारी से इस बात की जवाब दें क्या शहबाज शरीफ के पास शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के उनके पास इतनी ताकत है कि बानी पीटीआई को आज वो रिहा कर सके जेल से वो कहते हैं हमने रखा ही नहीं अगर इसका जवाब आप अगर वादा हाँ में मुझे दे देते हैं ईमानदारी के साथ तो मैं समझता हूँ शुभाशी से मुलाकात कर लेंगे सर वो किस हम सर जानते हैं कि अदालतों में केसेस चल रहे हैं उन्होंने काम करना है वो कसूर जिनके हैं माफी मेरा ख्याल से अब बाकी चीजें खैर हम फिर डिस्कस करेंगे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है